नमस्कार, मैं मान पठान, स्वागत है आप सभी का कारण न्यूज के इस खास मुलाकात में। छोटा सा परिचय मैं ऐसा देना चाहूंगी, अपने आप का भी और आज हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है उनका भी। आज के दौर में हर शख्स अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना चाहता है, किसी भी मीट में बोलो या सोसाइटी में बोलो, कि बस वो जाए तो उसका इंप्रेशन ऐसा पड़े कि सबके दिल दिमाग और जुबान से निकले वाव। तो ये वाव कब निकलता है? जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एकदम फाइन एंड वाइन। तो इस चीज के लिए सबसे पहले आते हैं लुक्स, पर्सनैलिटी, और इसमें भी सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो निभाता है वो है हमारे सुंदर लंबे घने बाल। और जब बालों की बात आती है तो आदिवासी हेयर ऑयल, जो कि फिलहाल बहुत ज्यादा तूल पे है। आदिवासी हेयर ऑयल के टक्कर में फिलहाल मार्केट में कोई चीज नहीं है, लेकिन ये आदिवासी तेल भी कई चीजों में घिरा हुआ है। ऑनलाइन ऑफलाइन वाला स्कैम जो हो रहा है, प्राइस को लेके, जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है, वहां से आ रहा है, सही तक मिल रहा है लोगों को, काफी सारे ऐसे सवालात हैं जिनको हल करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नागपुर शहर के इंदौरा चौक में स्थित ओनली सुनो इंटरप्राइजेस के मार्केटिंग मैनेजर सोनू सर। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका कारण न्यूज के स्टूडियो में। शुरुआत में ऐसी करना चाहूंगी सर कि आप पहले शख्स हैं, नागपुर शहर की पहली शॉप है जो पूरे महाराष्ट्र में या विदर्भ में हम कह सकते हैं जिन्होंने पहली ऑफलाइन शॉप जो है इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 15 अगस्त को नागपुर शहर के इंदौरा चौक में। तो शॉप ओपन करने के पीछे का उद्देश्य क्या था और क्या है आदिवासी तेल, क्या है प्रोडक्ट, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर नॉलेज दीजिए इसके बारे में। आदिवासी तेल का शॉप डालने के पीछे ऐसा रीजन है कि लोगों को अभी जो मिल रहा है ऑनलाइन मिलकर, अब ऑनलाइन में हो ये रहा है कि लोग किसी के पास फेक आ रहा है, किसी के पास ओरिजिनल आ रहा है। अब फेक आने की वजह से लोगों को असर हो रहा नहीं हो रहा, उसके बाद में लोगों का पैसा खर्च हो रहा। बिल्कुल, बहुत। अब पैसा खर्च हो रहा तो हर अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं जी। अब उनको अभी की तारीख में उनके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, अब उनका जो मेहनत का पैसा है वो खर्च तो हो रहा है लेकिन उनको सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं पैसा वसूल प्रोडक्ट। तो मेरा उद्देश्य इसके पीछे यही है कि जैसे नागपुर में मैं रहता हूँ प्रॉपर जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र का हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग प्रोडक्ट को ले, लेने के बाद एक जेन्युइन प्रोडक्ट ले। आदिवासी जब पैसा दे रहे हैं तो सही माल उनको मिले ना, पैसा दे रहे हैं तो सही माल ले, और ले तो अपने एरिया से ले, बिल्कुल अपने नियर बाय ले, ऑनलाइन भी ले नियर बाय भी ले। उसका फर्क ऐसा है कि आपको भी समझाने वाला मिल जाता है वहां पर कि प्रोडक्ट लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं और प्रोडक्ट में क्या खासियत है। अभी जैसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो ऑर्डर कर देते आ जाता, लगाना चालू कर देते, साइड इफेक्ट हो जाता, किसी को असर होता किसी को नहीं होता। अब जब शुरुआत जब इसकी हुई थी तो लोगों को, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन अभी कैसा हुआ कि बहुत सारी चीजें चालू है जिसमें लोगों को ऐसा मतलब जैसे क्या करे क्या ना करे वो थोड़ा भ्रम है, कंफ्यूजन है। इसीलिए मेरा प्रोडक्ट को लॉन्च करने का उद्देश्य ऐसा है कि शॉप डाल दो, लोग वहां पर आए, फेस टू फेस बात करें, प्रोडक्ट के बारे में पूछे, जानकारी ले, तरीका समझे कैसे लगाया जाता है और ले। तो क्या सही तरीका है सर आदिवासी तेल को लगाने का, कैसे फायदा मिल सकता है? सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं खुद गया था वहां पर। जी जी। खुद जाने के बाद में वहां पर जब मैंने देखा बिल्कुल प्रोडक्ट के बारे में, तो वहां पर एक नहीं ऐसे 100 कंपनियां हैं जी। हमको यहाँ से लगता है कि वहाँ एक ही कंपनी है जी, वहां पर पूरा समाज ही है जिसका हम नाम लेते हैं आदिवासी हिक्की समाज जनजाति। वहाँ 10 से 20 40 ऐसे कईयों कंपनी है, अब कईयों कंपनी के प्रोडक्ट अलग अलग है, अलग अलग ब्रांडिंग है जी। ठीक है, मैं वहां से लेकर आया सिर्फ 2 कंपनी के काम, फिलहाल मैंने 1 कंपनी का काम शुरू किया है। अब मेरी जो कंपनी का है प्रोडक्ट वो चलता है ओनली सुनो इंटरप्राइजेस से, जहां पर मैं मार्केटिंग हेड हूँ, मेरा रहना प्रॉपर नागपुर में है ताकि मेरे को लोग जाने पहचाने और पूछे प्रोडक्ट के बारे में और सही उनको मार्गदर्शन दूं इस पे कि मतलब होता क्या है, क्या चीज है, लगाते कैसे है, क्या कॉस्टिंग है। मतलब किसी का 1 रुपये भी वेस्ट होना चाहिए, अगर आप 400-500 भी वेस्ट करेंगे तो आपके वेस्ट होंगे ना, मेरे वेस्ट थोड़ी होंगे। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ लोगों को बताने के लिए कि ये प्रोडक्ट है क्या। तो वहां जाके देखा मैंने, तो सबसे पहले जब मैं वहां गया तो वहां जाके देखा मैंने, तो वहां पहली बार जाने के बाद में एक मैन्युफैक्चरर है वो बोलते हैं कि भैया एक बोतल है दूसरी बोतल है दोनों को मिला के लगाओ, एक बोतल 1500 की दूसरी बोतल 1500 की, मतलब बजट हो गया 3000, दोनों को मिला के लगाओ। मैं बोला ठीक है, वहां से 2 बोतल परचेस की। उसके बाद दूसरी जगह गया वो बोलता है कि भैया लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है, वहां भी बजट 3000 का, डिफाइन कर रहा हूँ। ये होगा दूसरा शॉप। तीसरी शॉप पे गया, भैया काय को जाते बोले आप 2 शॉप के, एक ही प्रोडक्ट लेना बोले 1500 का, वहां गया वैसा, तो वैसा चालू है वहां पर सर।
वहां हो क्या रहा है, हर एक अपनी कंपनी को ऊंचा उठाने के लिए कोई ना कोई प्रकार की मार्केटिंग कर रहा है, सर्व कर रहे किसी ना किसी तरीके से, सर्व नहीं कर रहे, वो बिजनेस कर रहे वहां पर, लोग ले भी रहे। अब उनको ये मिला है जन्मजात गुण, जी जी जन्मजात उनके पास में गट्स, उनके पास में क्वालिटी है, वहां की चीजें आयुर्वेदिक रहती है पूरी तरह से, वो लोग उसको उसमें यूज करते। दाल से कैसे है, बनता कैसे है, ये बनता है कोकोनट ऑयल में, केरला से आता है कोकोनट ऑयल, शुद्ध ऑयल प्योर, उसमें वो 108 जड़ी बूटी पकाते हैं। और वहां पर 108 जड़ी बूटी वाला भी प्रोडक्ट है, 120 जड़ी बूटी वाला भी है। जगह का नाम दर्शकों को बता दीजिए, जगह का नाम क्या है, यहाँ से मैं उतरा बैंगलोर जी, बैंगलोर से गया मैसूर, मैसूर से गया हुनसूर, हुनसूर से आ गया था पक्षीराजपुरा, उनका इलाका ओके, पक्षीराजपुरा, पक्षीराजपुरा में उनका पूरा वहां साम्राज्य है, साम्राज्य है। वो साम्राज्य में उतरने के बाद जब मैं उतरा तो मेरे को थोड़ा बहुत चक्कर रह गया। एक्चुअली वहां जाने के बाद में हम लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट पहचानने का भी एक तरीका रहता है जी जी जी। अब हमारे साथ में यहाँ कंपनी के लोग गए थे, मैं गया था, मैं वहां रहा, वहां के मेरे कुछ लोकल फ्रेंड्स है कन्नड़, अब उनको बोलते बोलते क्या मेरा भी लैंग्वेज वैसे ही आ गया, अन्ना डालने का, अन्ना करने का, मतलब मेरा भी लैंग्वेज चेंज हो गया वहां पर, तो अभी करते करते थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे आया हूँ ना। तो ऐसा बोलते ना जैसा जैसा देश वैसा देश, करना पड़ता है लाइफ में, नहीं तो कुछ मिलता ही नहीं है ऐसा। वहां जाने के बाद फिर देखा तो वहां पर 100 कंपनियां, फिर अलग अलग प्रोडक्ट, फिर वहां जाने के बाद सर्च करना पड़ा, फिर कौन से कंपनी का अच्छा, ये भी नया टास्क यार, खोजे कौन सी अब ऐसा है ना, यहाँ का लोकल जाने के बाद वहां समझ में नहीं आता, कोई भी लेकर आता बाद में असर नहीं होगा, बोलता जनता को वो तो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको किसी भी चीज को लगाने के लिए टीचर पकड़ना पड़ता, जैसे हम सब्जेक्ट के लिए टीचर पकड़ते हैं, वैसे हमको इस चीज के लिए प्रोडक्ट के लिए एक आदमी चाहिए जो हमको बताए ये है क्या, लगा है कैसा, ये लोकल लोकल कोई समझता है। मैंने डाला महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को काम, महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार, महाराष्ट्र के लोगों को मतलब सारी चीजें, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज सब मैं दूंगा, अच्छे से बताऊंगा। उसमें फ्लेवर है, एक जटा मासी वाला फ्लेवर है, एक प्लेन फ्लेवर है। अब जटा मासी वाला फ्लेवर अलग है, प्लेन फ्लेवर अलग है, तो उसमें भी लगाने का तरीका है, लगाते कैसे, उसका एज क्या है, एज क्राइटेरिया था उसमें 35 के अंडर कैसा लगाते, 35 के बाहर कैसा लगाते, उसमें भी एज है। प्रोडक्ट अगर ले रहा कोई 1500 रुपए का तो उसके लिए बड़ी बात होगा जी, रहता ही है 500 रुपए कोई खर्च करे तो बन का कैसे करता है, उसका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इससे मैं डाल रही इसीलिए आपने डेप्थ में जो है प्रोडक्ट की जानकारी ले ली है। किसी का पैसा खर्च ना हो, एक रुपए कोई कमाता है तो अपने मेहनत से कमाता है ना भैया, अगर वो पैसे वहाँ खर्च ना करे तो अपने घर में खर्च करे तो उसको वहाँ से फायदा मिलता ना ऐसा। तो महाराष्ट्र में विदर्भ में ये पहली शॉप ओपन होने जा रही है आदिवासी हेयर ऑयल की, तो क्या इसको आप एक्सपांड करेंगे, या सपोज कोई चाहता है कि इसके फ्रेंचाइजी में लूं, इसके और भी आउटलेट्स फैले ताकि जगह जगह लोगों को मिल सके, हर कोई नागपुर आके नहीं परचेस कर पाएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि ये लोग यहां से ले, तो वो कैसा रहेगा सर कि फ्रेंचाइजी दी जाएगी, दे रहे हैं नागपुर में, होल एंड सोल मैं ही हूं सोनू जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, और वो भी बिना कॉस्टिंग के फ्री में लो, कोई कॉस्टिंग नहीं, लोगों की सेवा करो, लोगों को बताओ तो होता क्या है, मेरे से आके मिलो, बातचीत करो, लोगों को बताओ, फ्री में लो, लोग पैसे लेके फ्रेंचाइजी गए, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 डिपॉजिट, मेरे पास में कुछ नहीं है, लोग फ्रेंचाइजी लेते पैसे कमाने के लिए, अर्निंग सोर्स के लिए, वहां से 10 लोगों को काम मिलता, मैंने तनखे में रोटी खा, रोटी आती है, लोग खाते पेट भरते अपना, तो ऐसे काम फ्री में होना चाहिए जी। ये मैंने ट्रेंड शुरू कर दिया, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करो, अपना मेहनत से पसीना गिराओ, भाप बन के उड़े तब पैसों की बारिश होती है, ऐसे ही नहीं होती है। क्या खूब कहा सर, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी है, देता है ऊपर वाला, करने वाला चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिए मेरी बात, कभी भी एक बार ध्यान में रखना, अगर मैं लोगों से पैसा लू, अगर मैं कोई जॉब सेंटर खोलू, अगर मैं कोई फ्रेंचाइजी खोलू, तो किसी की माँ बर्तन घसने जाती है, किसी की माँ झाड़ू मारने, किसी की माँ पोछा मारने, उनको मिलते वहां से 5,000, 6,000। अब 6,000 में अगर बच्चों के लिए जॉब, बच्चा 18 साल का हो गया और उसको अगर घर की जिम्मेदारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ गई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद में होता क्या है कि एक्चुअल में ये होता है कि माँ निकालती है जेब से 1,000 रुपया, 1,000 रुपये निकालने के बाद में बोलती है बेटा जैसा कि जॉब कर, वो बच्चा जाता है पहले एक जॉब सेंटर में, उसको बोलते हैं जहां हमको जॉब नहीं मिलता क्या, जहां हम फॉर्म भरते हैं, वो ऑफिस का नाम क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, कंसल्टेंसी। वहां जाने के बाद में बच्चा वहां अपना स्लिप भरता है, फोटो लगाता है, डालता है एजुकेशन नाम का, ढंग का जो भी एक्सपर्ट है, वो लिखने के बाद में वो फ्रेंचाइजी वाला क्या करता है, उसको 10 जगह भेजता, सर यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, 10 दिनों के बाद में उसको जॉब पसंद नहीं आता क्योंकि उसका एजुकेशन वैसा नहीं है, या तो उसको बिजनेस करना है तो कुछ करना है, फिर उसको जॉब नहीं मिलता तो बच्चा, बच्चे की माँ उसको पूछती, बेटा मैंने आपको पैसे दिए थे, क्या हुआ इसका, जॉब मिला क्या आपको, मम्मी बोलता जॉब नहीं मिलने का, क्योंकि उसको उसके साइड से जॉब नहीं मिलता, मम्मी का तो एजुकेशन हुआ नहीं है, बच्चे का एजुकेशन हुआ है तो उसको जॉब साइड से मिल नहीं पाता, उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है।
उसके बाद फिर टाइम पास हो गया, मम्मी उसको एक बार पूछती, दो बार पूछती, तीन बार पूछती, फिर बच्चा लेता सर के ऊपर में, मस्तक पे लेता है, माथे पे आने के बाद में टेंशन आता उसको। फिर माँ चौथी बार जब पूछती तो उसको दोस्त मिलते, जाता है दोस्तों में टेंशन रिलीज करने, वहां से शुरुआत होती है शौक की। एक बार शौक लग गया, मम्मी ने कितना पैसा खर्च की, 1500, बच्चों को शौक लग गया टेंशन के कारण। रियलिटी है, मैं देख कर लोग घर घर में, सच्चाई यही है। उसको शौक लग गया, शौक लगने के बाद में फिर कुछ नहीं, बच्चा रोज जाता है टेंशन दूर करने, फ्यूचर और करियर दोनों बर्बाद। बच्चा रोज जाता है टेंशन दूर करने, क्योंकि घर में हैमर होता है ना जी। पैसे का, बच्चा रोज जाता है दूर करना टेंशन। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी, ये एक मेजर पॉइंट है हमारा, रियलिटी है। तो ये यहाँ से शौक लोग पकड़ लेते जी जी। तो ये दोस्त लोग तो है गली गलियारों में, चलो रोज शाम को, बस यहाँ से शौक चालू होता है, वहां से घर खराब होता है, कच्ची उम्र में शौक लग जाता है जो नहीं करना चाहिए। पैसा कमाने निकले है लेकिन ये बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मैंने चालू किया फ्री में बांटना, जो भी है फ्री में आओ, फ्री में रोजगार लो, काम करना है काम करो, आइडिया मैं देगा, दिमाग मैं देगा, कैसे कमाना है वो सब मैं बताएगा, सारे तरीके मैं बताएगा, काम चालू करो, बस ये सोचो कि ये सोचो टपकाना है, उड़ाना है, गिरता है ऊपर से भाप बन के आता है वापस, बस मेरे बस में आओ, सारे आइडिया लेके जाओ, मैं सब फ्री में देगा, कोई पैसा नहीं लेगा। तो ऐसे आदिवासी हेरोल के जो है फ्रेंचाइजी सर विदाउट एनी कॉस्ट देने का लोगों को विचार उन्होंने किया है, बहुत अच्छी इनकी जो है पहल मैं कहूंगी कि बहुत बढ़िया हो सकता है रोजगार के लिए, हम देख सकते हैं। तीसरी चीज ये यहाँ पर सर कि काफी लोगों को भ्रम है, ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रहे हैं 300, 400, 500 वाला बाय वन गेट वन फ्री, तो उसके पीछे की क्या कहानी है, असल प्रोडक्ट क्या है, और ये ऑनलाइन वाला स्कैम क्या है, बाय वन गेट वन फ्री वाला क्या सिलसिला है? बात ऐसी है कि 100 जड़ी बूटी 400-500 में आती नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पर तुअर की दाल का ही भाव 100 रुपए किलो है जी। पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया कि आधी सारी चीज उसमें चली जाती जी। उसके बाद में मेकअप का सामान भी इतना महंगा हो गया, ये मतलब तीनों चीजें डालती है उसमें, मैंने आपको एग्जाम्पल जैसे खतरनाक दे रहा हूँ मैं जी। तो 100 जड़ी बूटी 400-500 में आना ही संभव नहीं है बिल्कुल, और ऊपर से एक पे फ्री फ्री। अब हमारी एज इतनी है जी, मैं आज 36 ईयर्स का हूँ, ओके, तो हमको जस्टिस करते हुए आना चाहिए कि सही में क्या मिलता है क्या, और हमको क्या लेना चाहिए क्या। सिर्फ एक ही आता है प्रोडक्ट, क्योंकि पैकिंग भी नहीं आती उसमें जी। ये बॉटल जो है पैक करके वहां से यहां पे आपके स्पॉट पे आना कुरियर सर्विस से, उनको भी पैसा ही लगता डालने के लिए जी, तो जी, जी। 100 जड़ी बूटी कभी 400-500 में आती नहीं है, ध्यान रखो आप, उसका भी कॉस्टिंग है 1500 रुपए जी। 500 ml का जो आएगा 1500 रुपए आएगा, वो भी ओरिजिनल में, आपको सिंपल बताया, बहुत सी महंगी होगी है, और ऊपर से जड़ी बूटी का भंडार है। 108 जड़ी बूटी बोलते किसको है, बिल्कुल, वो लोग जब बल्क में बनाएंगे तो बल्क में बांटेंगे, तो उनको कॉस्टिंग कम गिरेगा। 100 ml भी नहीं आता इसमें, ना 250 ml आता है, सीधा सीधा आता है 500 ml। सिर्फ मैंने एक लॉन्च किया ओरिजिनल 250 ml का, ताकि लोग देख के यूज करे, क्योंकि 1500 ना दिमाग पे आता है जी जी, दिमाग का दही जम जाता है उस पे, आता है 1500 रुपए खर्च करे कैसे, हाउ क्यों करे, क्योंकि इतना फर्म फैला है ना, तो मैंने उसको लॉन्च कर दिया, छोटी बोतल लो पहले यूज करके देखो, तो ये डिस्प्ले करके दिखा दीजिए ना, 7 दिनों में, 7 दिनों में इससे बाल झड़ना कम हो जाते हैं, बस लगाने का तरीका चाहिए जी जी, और 7 दिनों में बाल सिल्की शाइनी हो जाते हैं। और सारे जितने भी आपको बताया है प्रोडक्ट के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा ही होता है, बाल झड़ना कम हो जाते हैं, डैंड्रफ खत्म हो जाता है, उसके बाद में सफेद बाल काले हो जाते हैं, उसमें एज क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है किसी ने बोल दिया हो गया, एज क्राइटेरिया, लगाने का तरीका, सलीका भी, वो भी चाहिए, बस सिंपल फंडा है, पर आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा ज्यादा फिर शॉप पे आने के बाद में, बस और कुछ नहीं। तो शॉप हमारी कहाँ ओपन हो रही है, कब से ओपन हो रही है, और क्या फैसिलिटीज लोगों को देने वाले हैं सर? हमारी शॉप हो रही है नागपुर महाराष्ट्र में, अब नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार शॉप ओपन हो रही है 15 अगस्त को, ठीक है, पहली बार कोई शॉप नागपुर में ओपन हो रही है। क्यों हो रही है ये, इसलिए हो रही है क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कोई मेरे से आगे मिले, कोई मेरे को पूछे प्रोडक्ट ओरिजिनल कैसा है, तो मैं उसको पूछूंगा 400-500 वाला कैसा है, तो मेरा थोड़ा 100-200 लेके देखो मिला के कैसा है, फिर मैं बताता, क्योंकि आप ऑनलाइन लेते हो ना, कोई गाइड करता लगाना कैसा है, ना कोई कॉल उठाता, एक बार ऑर्डर कर दिए, दूसरी बार नकली आता जी जी, तीसरी बार नकली आता, मेरे पास एक ही फ्लेवर मिलता है, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, मेरे पास में कोई ऑफर नहीं है, सिर्फ एक ही ऑफर है, ना डिस्काउंट, सिर्फ ओरिजिनल का ऑफर है, लेके जाओ लगा के देखो, एक ही ऑफर, ओनली ओरिजिनल, क्योंकि ओनली सुन्नू इंटरप्राइजेस ये है ओरिजिनल चीजों का सौदागर जी। चाहे मैं काम 10 करूं मेरे को उससे मतलब नहीं है, क्वालिटी वाला करो उससे मतलब है जी, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। तो क्वालिटी बेस्ड काम यहाँ पर किया जाता है ओनली सुन्नू इंटरप्राइजेस, क्वालिटी बेस्ड काम नहीं किया जाता मैडम, यहाँ पर वो काम किया जाता है जिसकी लोगों को डिमांड है, उसका एक ही काम है, यहाँ से उठाओ वहां दो, सिंपल है,
लेकिन चीज वो तो जो उनको चाहिए क्वालिटी बेस्ड ही है ना सर, क्वालिटी तो दे रहे हैं आप लोगों को, तभी तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। ओनली सुनने को क्यों तब मिल रहा है लोगों का, क्योंकि क्वालिटी दे रहे हैं आप जो बाकी जगह प्यार प्यार मिलने का, प्यार आने का टाइम है। तो अभी दर्शकों आपको बताना है, ओनली सुनो ने जो है अपना नई चीज जो है लॉन्च करने जा रहा है 15 अगस्त से, तो भर भर के प्यार बताना है आप लोगों ने भी कि क्या क्वालिटी की डिमांड है नागपुर वासियों को भी, और ज्यादा भ्रमित नहीं होना है। जो भी कंफ्यूजन आप लोगों के दिल में दिमाग में है आदिवासी तेल को लेकर, तो आप डायरेक्ट सोनू सर से जाके मिल सकते हैं। एड्रेस भी उन्होंने बता दिया, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि इंदौरा चौक पे त्रिपुरी हॉस्पिटल के पास में जो है ये शॉप ओपन होने जा रही है। कल 12 बजे के बाद इसका इनॉग्रेशन है, बहुत अच्छे दिन बहुत अच्छे मौके पर जो है इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो बिल्कुल बालों की जो समस्या उससे भी आपको आजादी चाहिए होगी तो आप बिल्कुल कल जाके विजिट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं आपका मन पसंदीदा आदिवासी हेयर ऑयल। तो बहुत मजेदार ही सर एक कॉन्वर्सेशन रहा। चाहूंगा जी सर, जो 15 अगस्त की शुरुआत है जी, तो जैसे सदर झंडा फड़का जी कंट्री का देश का, उसी तरीके से झंडा फड़केगा ओनली सुन्नू इंटरप्राइजेस का, और झंडा ऐसे फड़केगा कि जितने भी लोगों को जरूरत है, चाहे वो रोजगार की हो चाहे वो किसी प्रोडक्ट को हो, लेकिन और ऊपर से क्वालिटी वाला, तो ये प्रोडक्ट और ये रोजगार सारे देश भर में। अभी शुरुआत तो उसकी नागपुर से हुई, नागपुर आता है बीच में जी, और मैं नागपुर का प्रॉपर हूं जी, तो मैं सबसे पहले तो इसकी सारी शाखाएं ऑल ओवर महाराष्ट्र में खोलूंगा, क्योंकि नागपुर जो आता है महाराष्ट्र में आता है ठीक है। उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में खुल गई, उसके बाद सारे लोग इसको अप्लाई करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही रूल है, अच्छा करो तो अच्छा मिले, बाकी और कुछ नहीं है, सिंपल फंडा है। तो प्यार की बात तो तब आएंगे ना जब प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे और उनको जब रिजल्ट मिलेगा, तभी तो नाम लेंगे कि भैया हमारा पैसा किसी ने लिया तो हमको अच्छी चीज दिया जी, अदरवाइज नहीं लेते। नहीं तो फिर लोग बोलते फेक है करके, तो फेक होने के बोलने के पहले यूज करके देखे, यूज करने के बाद ही बाल झड़ते हैं, तो बाल क्यों झड़ते, किसी घर में टंकी लगी रहती, टंकी में कचरा जमा होता है, वही एसिड का पानी आता है सर पे, केमिकल का पानी आता है, उससे भी प्रॉब्लम होता है, और भी चीजें हो सकती है, तो उसको भी साफ करने का तरीका है, बस कुछ नहीं फिटकरी डालो साफ हो जाता है। आजादी के दिन से सर शुरुआत होने वाली है हमारे शॉप की, तो क्या आपके विचार है इस पर कि लोगों को भी आजादी मिलेगी उनके बालों की समस्याओं से और रोजगार से भी हम कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पहल सर ने निकाली है विदाउट एनी कॉस्ट, वो जो है फ्रेंचाइजी देने वाले लोगों को, बस मेहनती लोगों ने उनसे बिल्कुल संपर्क साधना है और अपने करियर की शुरुआत करनी है। और जिस प्रकार से आदिवासी हेयर ऑयल की डिमांड है मार्केट में, तो बिल्कुल बूम पे चढ़ने वाला आपका बिजनेस। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे किसी के स्टेट में किसी के सिटी में कोई वीडियो चल गया, हेलो दोस्तों, हाय हाउ आर यू, आज का दोस्त अपना दोस्त अपने एरिया का हमका ढमका बीच का फलाना जो भी एक्स वाई जेड, मेरे को नहीं पता, प्रोडक्ट लाया है दे रहा है कर रहा है, ये सब वीडियोस आते हैं यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एनीथिंग एल्स कहीं भी आते होंगे, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। लोग वहां चले जाते हैं, भैया हमको 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 भी दो हमको भी दो। अरे पर ठीक है मिल जाएगा, प्रोडक्ट कौन सा है, लगाते कैसे है, यूज कैसे करते, और उसके बाद आपको माल सही आता है क्या, वो तो कुछ लो बस दौड़ते हुए चले गए, एक बार ले लिया फायदा हो गया, दूसरी बार देखे तो बराबर नहीं लगा, ऐसा काम नहीं है अपना, ऐसा काम नहीं है जी। अपना झंडा ऐसा फड़क रहा है 15 अगस्त के दिन आजादी के दिन कि जितने भी क्वेश्चन है कट टू कट और वर्ड टू वर्ड सारे सवालों के आंसर मिलेंगे रात के 12 बजे तक जी शुरुआत में, और ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला मैंने आज तक, हेलो दोस्तों हाय दोस्तों हाउ आर यू, कोई ऐसे मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं डाला जिस पे लोगों को पढ़े, मैं सिर्फ लोगों को बता रहा कि करते कैसे यूज, मेरे शॉप पर आओ, किसी ने शॉप नहीं डाला नागपुर में, मैंने शॉप डाला कि प्रोडक्ट में दम है, इसलिए डाला कि वीडियो ऐसा नहीं बनाया। अब मेरा वीडियो कब बनेगा लोग यूज करने के बाद, मैं बताऊंगा रियलिटी लोग जितने लोग, अगर मेरा भी 10 लोगों ने यूज किया तो मैं 10 ही बताऊंगा, ऐसे बताऊँ करोड़ लोगों ने यूज किया तो 10 लोगों का है 100 लोगों का, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल होता ही है वीडियो और क्या ऐसा ऐसा मतलब क्या कर रहे हैं, फिर ये कट कर देंगे, मतलब ऐसा क्या करूंगा मैं, बीच में एक शब्द बोलने वाला था बस, बोलो अब कैसा बोलूं, बीच का दिया आपने वही रखो कंटिन्यू, जब कट जाएगा जब भी कट जाएगा वही कंटिन्यू रखो चालू, हाँ चालू ही है
हाँ, तो वो जो वीडियोस जो आते हैं लोगों को, यहाँ से लो वहां से लो, मैंने यहाँ शॉप डाला वो डाला वो डाला, नया प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट है, तो वो ठीक है, आ रहे हैं लोग, ले रहे हैं लोगों को, मिल रहे हैं, हाँ, लेकिन लोगों को फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही इसकी वाली, और सही फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही जी। तो मेरा काम वही है, एक प्रॉपर शॉप पर आओ, फ्रेंचाइजी लो और अपने घर से अपना बिजनेस स्टार्ट करो, भी फ्री में, फ्री में, फ्री में, सिर्फ एक ही ऑफर चलता है, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल, सब समझा के बताएगा, मैं सब बताएगा, प्रोडक्ट कैसा है, उसमें कितने फ्लेवर है, कैसा लगाते, क्या करते, लोगों को वैसे ही बताना सिंपल, लोगों के बाल झड़ते प्रोडक्ट लगाने के बाद में भी, तो टंकी का पानी होता है, कभी पानी खराब आता, कुछ आता, प्रोडक्ट कोई मामला नहीं है, एक बार आपने 6 महीने प्रोडक्ट यूज किया है, लोग तो यहाँ साल साल वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, साल भर यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है, अपना प्रोडक्ट सिर्फ 6 महीने यूज करो, देखो, और वीडियो पे जाओ मत जाओ, मेरे को उसमें किसी को कुछ बोलना नहीं है, इतना ही बोलना है कि एक बार आके आमने सामने बैठ के बात करो, बिल्कुल बिल्कुल, लाइव एक कॉन्वर्सेशन हो जाए, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, टेबल टू टेबल बात करो बैठ के, तो मजा, क्योंकि मैं डायरेक्टली बात करता है उधर जो बनाता है, मैं कोई वीडियो से बात नहीं करता, मैं ऐसा कोई ब्रोकर नहीं पकड़ा किसी को, डायरेक्ट जो बनाता है, जो बनाता है, जो तेल घोटता है गंज के अंदर में, जो मैन्युफैक्चरर है, उससे मेरे कान में सब बातें बता दिया, सारी बातें बता दी तो मेरे मुंह से सारी निकलती है, क्योंकि मैं बुक भी पढ़ता हूँ, अब जो बोलता है वो पढ़ता भी और रखता भी नॉलेज है, ठीक है। अब बात रही इसमें प्रोडक्ट लगाने की, तो जिनको लगाना है, जिनको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनको इसकी आवश्यकता है, बिल्कुल, जिनको इसकी फ्रेंचाइजी चाहिए, जिनको इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, जिनको इस पे काम करना है, जिनको रोजगार नहीं है, जो लोग भटक रहे यहाँ, जिनको अभी नौकरी नहीं लगी है, वो लोग कर सकते हैं, घर से बाइया भी कर सकती है, अभी आइडिया लोग देने के लिए भी पैसे लेते हैं, मैं पैसे लेता नहीं, फुकड़ में देता है सबको, फ्री में लोग, आपको नौकरी करना है, आपको बिजनेस करना, आपको पैसे नहीं, मेरे को पता है आप पैसे कमाने को कर रहे हैं, मैं अगर आपसे पैसे लूंगा तो मैं कौन से काम कर, मेरे देश में पैदा होकर कौन से काम कर, मेरा मतलब ही नहीं है, एक सामाजिक दायित्व भी निभा रहे हैं, पेट सबको, देखो पेट सबको लगा है, थोड़ा सा तो कमाना ही पड़ता ना, बिल्कुल, मैं कमाऊंगा नहीं और वो लोग भी नहीं कमाएंगे तो फिर मेरा क्या मतलब, उनका क्या मतलब, लेकिन बात रही थी सही आइडिया की, किसी को आइडिया दो, करते कैसे, बताना कैसा, धंधा कैसा करना, काम कैसे करना, बिल्कुल प्रॉपर एक गाइडलाइन दे दूंगा, बिल्कुल, जिंदगी भर नाम लेते रहोगे सोनू का, सिंपल वर्डों में, SONU, आया था भैया नागपुर से, बताया उसने पूरे देश की जानकारी, ओनली सोनू इंटरप्राइजेस का मार्केटिंग हेड, बस मेरा नाम है SONU, चार अल्फाज है उसमें, SONU, सोनू, टैगलाइन मेरा सिंपल है, ओरिजिनल का सौदागर, क्या बात है, बहुत बढ़िया मुलाकात रही सर, ये काफी डेप्थ में हमको आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में जानकारी मिली, जेन्युइन प्रोडक्ट को लेकर जो भी सारे आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, जो भी ये स्कैम हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन प्राइस को लेकर, बाय वन गेट वन फ्री, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस लोगों ने फेस किए हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपको विस्तार से समझा दी जाएगी ओनली सोनू एंटरप्राइजेस के मार्केटिंग मैनेजर सोनू सर के थ्रू। तो बिल्कुल कल ये इस शॉप का इनका ऑर्गेनाइज जो है इनॉग्रेशन होने वाला है, तो बिल्कुल उनका पार्ट बनिए और बिल्कुल आप अपना मन पसंदीदा आदिवासी हेयर परचेस कर सकते हैं। उसमें ये एक प्रोडक्ट रहता है, ये ऐसा एक नीलंबरी, ये कंपनी नीलंबरी है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनी नीलंबरी की, ये छोटा प्रोडक्ट है, ये बड़ा प्रोडक्ट है, लोगों ने आज तक सिर्फ 1500 वाला ही लॉन्च किया, बता रहा, तो 1500 का लाभ ज्यादा होता है ना लोगों के लिए पैसा, मैंने इसमें छोटा प्रोडक्ट लॉन्च किया, यूज करके देखे पहले 250 ml 750 रुपए का 250 ml लेके देखो, बड़े तो लोग दो टाइप्स की आपको बॉटल यहाँ पर मिल जाएगी, 250 ml वाली 750 की और दिस वन 1500 की, है ना, 1500 रुपए 1500, मतलब हिंदी में बोलने का थोड़ा सा अच्छा समझता लोगों को, ये 1500 में और ये 750 में मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, आमने सामने आप जो है सारी बात कर सकते हैं और आमने सामने जो भरोसा विश्वास जो है बॉन्ड क्रिएट होता है, तो उससे कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बेनिफिट्स है, तो बिल्कुल आपने जाके आपको भी डिटेल्स मिल जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, तो आपने जाना है और परचेस करना है और जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करना है सोनू सर के थ्रू। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं आपने हल करने की जो है पहल शुरू की है, तो उसके लिए भी हम जो आपकी सराहना करते हैं सर और बिल्कुल आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये जो आपने नई पहल शुरू की है इसमें आपको जो है सफलता मिले।